आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला बुद्धिपुर से गोमांस के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर के जमानिया मोहल्ला बुद्धिपुर के पास से 165 किलो गोमांस के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिसमें 6 अभियुक्त रुस्तम कुरैशी पुत्र मुख्तार कुरैशी, सरवर कुरैशी पुत्र मुख्तार कुरैशी, अनवर कुरैशी पुत्र इसरार कुरैशी, जसीम कुरैशी पुत्र स्वर्गीय यासिन कुरैशी निवासी बुद्धिपुर और शकील खान पुत्र रफीक खान निवासी खिदिरपुर, मसीउद्दीन पुत्र मैनुद्दीन निवासी मथारा जनपद गाजीपुर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में जनपद में हो रहे अपराधों को रोकने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और सीओ हितेंद्र कृष्ण के कुशल निर्देशन में मंगलवार को उप निरीक्षक मंजर अब्बास मय हमराह का आनंद वर्मा और कांस्टेबल क्रांति सिंह पटेल की देखभाल क्षेत्र और चेकिंग अभियान संदिग्ध वाहन ताजपुर मोड़ के पास देखा। इस दौरान मुखबिर सूचना पर 2 व्यक्ति अवैध गांजा लेकर बेचने हेतु खिजरपुर नहर पटरी होते हुए जा रहे थे, ताजपुर नहर पुलिया होते हुए जा रहे थे। इसके बाद मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर कोतवाली पुलिस पहुंचकर आड़ में छिपा कर आने के इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद 2 व्यक्ति खिरचीपुर की ओर से आ रही नहर की पटरी से आते हुए दिखाई दिए। मौका देख कोतवाली पुलिस शहनवाज पुत्र फारूक माली निवासी बुद्धिपुर के खिलाफ NDPS एक्ट बनाम दूसरा जुबर खान और बबल पुत्र स्वर्गीय मशरून खान निवासी खिलजीपुर के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तों के पास से 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद। अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम उप निरीक्षक मंजर अब्बास, कांस्टेबल आनंद वर्मा, क्रांति सिंह पटेल, थाना जमानिया, जनपद गाजीपुर। इस बाबत कोतवाली दीपेंद्र सिंह ने कहा कि इलाके में अवैध कारोबार बंद होगा। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट।